एसडीएम चंबा नवीन तावर जमीन से जुड़े आईएएस अधिकारी हैं, जो बिना किसी झिझक के किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं समझते, स्वयं ही उस कार्य को करने में निष्ठा व ईमानदारी से जुट जाते हैं। यह तस्वीरें सुई माता समाधि स्थल मल्लूणा नामक स्थान की हैं, जो कि जिला चंबा के इतिहास व धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हैं। गौरतलब रहे, चंबा शहर में पानी की कमी के चलते चंबा शहर की राजमाता ने हजारों वर्ष पूर्व अपने आप को इस पवित्र स्थान में जीते जी समाधि लेकर चिन्हवाया था, जिसके पश्चात आज चंबा शहर में पानी की कमी नहीं है। जब से एसडीएम चंबा नवीन तावर इस स्थल में आए हैं, उस दिन से इस धार्मिक एवं पवित्र स्थल को संवारने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और स्थानीय युवाओं को इस स्थल को साफ सुथरा रखने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जिससे चंबा के इस प्राचीन स्थल को अगली पीढ़ी के लिए संजोकर रखा जा सके। आज होली पर्व के पावन अवसर पर ग्राम पंचायत लुड्डू के युवाओं ने मलून नामक स्थान, जहां पर सुई माता, जो माता रानी माता सुनैना का समाधि स्थल है, उस वहां जाकर ग्राम पंचायत लुड्डू के सभी युवाओं भाइयों ने रास्ता को दुरुस्त करने में अपना योगदान निभाया। इस अभियान में हमारे जो मुख्य तिथि व जो हमारे प्रेरणादायक हमारे चंबा सदर के एसडीएम आईएस श्री नवीन तनवर जी साथ में रहे और उन्होंने खुद स्वयं ही औजार उठाकर हमारे साथ कार्य किया और हमें इस प्रकार के सराहनीय कार्य करने के लिए प्रेरित किया। और इस रास्ते की हालत इतनी दयनीय है और 12 अप्रैल को चंबा मुख्यालय सुई माता मंदिर से लेकर मलून तक शोभा यात्रा निकलती है और वहां पर माता के समाधि स्थल में पूजा अर्चना की जाती है और भजन कीर्तनों से गुणगान किया जाता है और वहां पर जो प्राचीन नृत्य जो है तो वो गदने वहां पर आके नृत्य भी करती है और उसके लिए रास्ते की इतनी 3 साल से कोरोना काल के चलते 3 साल से ये मेला हो नहीं पाया है और उस कारण रास्ते की हालत भी बहुत खस्ता थी और स्वयं हमारे एसडीएम चंबा जी ने आकर हमारे युवाओं को प्रेरणा देकर व स्वयं खुद लगकर उस रास्ते को दुरुस्त किया। काफ़ी समय से कई जगह पे डंगे गिर चुके थे, कई जगह लहासे गिर चुके थे, सभी को हटाकर वहाँ उस स्थान को बिल्कुल साफ सुथरा किया गया। मैं सभी युवाओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ और अपने चंबा सदर के एसडीएम आईएस श्री नवीन तनवर जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस अभियान में आकर हमारे युवाओं का जोश बढ़ाया है।